आज सबसे पहले तो गर्ल इंटरनेशनल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल डे है, सबसे पहले तो उसकी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज के विशेष दिन में अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यवसाय हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें अगर महिलाएं अगर खरीदारी करने बाहर नहीं आए तो वो इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाती है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। और ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब जब इन्वेस्टमेंट की बात है, जो जब उनको सोलह श्रृंगार करने की बात आई तो उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इसीलिए IJSF इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, जो कि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसे हम इस बार कह रहे हैं कि इस दिवाली सोने की बारिश होने वाली है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो एक नया त्यौहार हम लेके आए, त्यौहार में एक और त्यौहार, जिसके कारण यहाँ का जो सेल है ज्वेलरी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों ने खरीदना चाहिए। और महिलाओं ने इसे खरीदने के साथ साथ एज अ इन्वेस्टमेंट भी सोचना चाहिए। अगर मैं सोने के भाव को लेके बात करूँ, आप पिछले साल 53,000 के रेट थे दिवाली के आसपास, अभी 57,000 के आसपास रेट है, तो हर साल इसमें 5 से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इस वजह से महिलाओं का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसके तरफ है, तो ये अपने आप में एक अनूठा है और 5,000 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है और सबका फेथ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और हैंडक्राफ्ट में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग एक्सपोर्ट में भी 300 एक्सपोर्टर हमारे मेंबर हैं, तो हम लोग एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आपदा को ही अवसर में बदलो, तो हम लोग अपनी आपदाओं को हमारी जो अवसर में बदलने की उनकी बातों को मानते हुए हम एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ाए, जो अभी एक्सपोर्ट चल रहा है उसको डबल कैसा करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, महान के बारे में, महान जो प्रोजेक्ट है नागपुर में, तो आप नागपुर से आते थोड़ा उसके बारे में बताइए। मिहान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां वहां के इंडस्ट्री को डेवलप करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, ये कार्य मंत्री जी खुद बोल के गए हैं। तो हम लोग मिहान में क्लस्टर, गोल्ड क्लस्टर प्लान कर रहे हैं और उसकी प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जल्द ही मैं घोषणा करूंगा और गडकरी साहब के हाथों से उसकी फीता भी कटेगा, उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये अगर क्लस्टर रेडी हो जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे और ये इंडस्ट्री वहाँ से एक्सपोर्ट करे उसके लिए भी, क्योंकि नागपुर पूरे हिंदुस्तान का मध्य भाग है। और लॉजिस्टिक के दायरे में देखिए या सिक्योरिटी के तहत देखिए, यह ऐसा शहर है जहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका ये मध्य बिंदु है। तो ये मिहान एक बेहतरीन प्रकल्प नागपुर में है, इसमें से यहाँ से जब एक्सपोर्ट होगा तो इजी वे वहाँ का भी व्यापार बढ़ेगा और हिंदुस्तान का हाथ मजबूत होगा। थैंक यू।